हल्दी का रस्म चालू हो गया है और अभी ये लाइटिंग देख रहे हो तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ हल्दी में यहाँ पे कैसी रस्म होती है। राजा का फोटोशूट चालू है हल्दी का। दूल्हे राजा का बज गया बाजा। ये मेरे दोस्त मिथुन भाई, ये मुझे कुछ खर्चा करना नहीं देते, सब खर्चा इन्होंने किया है, चाय से लेके सब कुछ। और वो भाई उनका नाम क्या पता नहीं, नाम आपका सुमन भाई। मेहमान नवाजी यहाँ पे अच्छी तरीके से करते हैं, आपके जेब में से एक रुपया भी निकालना नहीं देंगे आपको। दोपहर के बज रहे एक,
इंडिया में टाइम हो रहा है इस वक्त 12:30। अभी जस्ट उठा रात, एकदम अर्ली मॉर्निंग तक हल्दी चलती रही, नाच गाना चलता रहा 5 बजे तक। 5 बजे के बाद 6 बजे कुछ सोया हमें, 12:30 बजे उठा, 12 बजे। अभी जस्ट बाजार जा रहा हूँ थोड़ा कुछ शॉपिंग करने, जल्दी से जल्दी आ जाऊँगा। यहाँ पे मेहमान नवाजी ऐसी करती है कि मैं बोलने का भी मतलब भी तरीका उन लोग के जैसा होगा। लेडीज जाएगी को जाएगी बोलते हैं, और तो यहाँ पे नाश्ता ऐसा मतलब बहुत कुछ देते हैं, एक दिया दूसरा, दूसरा दिया तीसरा, कितना खाने का जितना पेट में जगह नहीं उतना तो दे दिया जाता है। और अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, बाजार जाके थोड़ा कुछ शॉपिंग करूँगा, क्या लेना है मुझे। सब दोस्त उनके आए थे, वो घूमने गए हैं सुबह 6 बजे, जो 6 बजे सोए 6 बजे भी उठे, पूरे रात भर हंसी मजाक चलता रहा, पूरी गैंग आई थी हम लोग की। यहाँ से मेन रोड से मुझे कुछ भी मिल जाएगा, उत्पल और उसके भाई लोग एक दो तीन जन, सुफल मिथुन और कोई तो एक है, तीन लोग चले गए, तीन या चार लोग चले गए वो हॉल पे, कन्वेंशन हॉल अलिफ कन्वेंशन हॉल, वहाँ पे कुछ रेडी करने के लिए। मुहूर्त बता रहे कि 8:15 बजे का है बांग्लादेश के टाइम के हिसाब से, तो यहाँ से निकलना पड़ेगा, 5 बजे का टाइम दिया है लेकिन शादी का माहौल है तो निकलने में लगभग 6:30 बज जाएंगे, तो अभी मेरे पास 5 घंटे हैं। यहाँ पे मछलियाँ बहुत हैं, आप चल रहे हो शांत सी से पानी में डूब 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 आवाज़ आपको आएगा ही। अच्छा मिथुन वगैरह सब लोग आज मैच थी उनकी, इसके लिए वहाँ पे चले गए रहेंगे, मतलब बाजार सब वहाँ पे मिल जाएंगे सर मेरे को। ये दोपहर हो गई है, एक रिक्शा जा रही है, थोड़ा जल्दी चलता तो रिक्शा मिल जाती। सब दोस्त पूरा खाली हो गया, घर सब घूमने चले गए। कल फेसबुक पे, आज सुबह देखा फेसबुक पे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी बांग्लादेश की, बांग्लादेशों की, सबको लग रहा हूँ मैं इंडिया से हूँ, सब आके घूर रहे। मैं बोला भाई तुम्हारे जैसा ही दिखता हूँ, बस बोली थोड़ी अलग है, हिंदी बोलता हूँ तुम बंगाली बोलते हो और क्या बस। लेकिन अटेंशन दे रहे थे, लेकिन जो कल की हल्दी हुई सुपर, ऐसे इंडिया में हल्दी नहीं होती, सुबह के 5 बजे तक हल्दी का कार्यक्रम जबरदस्त। मेरी मोबाइल की बैटरी भी लो हो गई थी वो टाइम पे, ये पूरा जाल जो मच्छी पकड़ने का है वहाँ पे बिछाया हुआ है। ये गोरू बोलते हैं भाई साहब ऐसी। बस आई, अभी ये बस कभी रिटर्न आएगी पता नहीं, शायद 10% में पहुंच जाऊंगा मैं, लेकिन तब तक चलते चलते ज़्यादा दूर लंबा नहीं है, 2 किलोमीटर बोलते हैं, 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर है, क्योंकि चलने में 10 मिनट लग जाता है ऑलमोस्ट।
बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वो जो अभी तक आए नहीं हैं, जैसे फातिमा होगी एक, जिनको मैं जानता हूँ फेसबुक से, वो आई नहीं। आज आने के चांसेस थे 50-50। देखते हैं राकीब भाई, जिनको भी जानता हूँ, बांग्लादेश से ही है वो, ये भी तनु के फ्रेंड है। अभी मेन रोड पे पहुंच गया, यहाँ से लिफ्ट मांग कर जाना बेहतर रहेगा। एक रिक्शा आ रही है, देखता हूँ कितने टका में छोड़ता है। क्या बोलते हैं, बाजार कोथा दाम, ओके 10 टका के ऊपर बोला तो चल के जाना बेस्ट रहेगा। मोस्टली मैं प्रोबेबली चल के ही जा रहा हूँ हर जगह। तो चलो जो रिक्शा आएगी उसको पूछ लेता हूँ दाम कोथो, दाम ना कोथो दाम। एक बुक में लिख के रखा ना तो इजी रहेगा मेरे हिसाब से। तो बाजार दाम को तो 10 टका। चलो 10 टका में जाऊंगा बाजार।